सो so, ये वीडियो उन सब बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है जिन्होंने अभी जो जनवरी इंटेक था वो मिस कर दिया है नाउ दे आर प्लानिंग टू गो एस ए पी फॉर द फ्यूचर इंटेक्स और टाइम कम है या फिर आपको एजुकेशन लोन प्रोसेस कराना है और उसके लिए आपको ऑफर लेटर बहुत जल्दी चाहिए तो इन यूनिवर्सिटीज पे अगर आप एप्लीकेशन करोगे तो आपकी एप्लीकेशन जल्दी प्रोसेस होगी और आपको ऑफर लेटर जल्दी आएगा ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा जिससे कि आपको ऑफर लेटर जल्दी आए और ऐसी कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नाउ टू अप्लाई एंड गेट दी ऑफर लेटर फ्रॉम यूके आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं सबसे पहले क्योंकि ऑफर लेटर अप्लाई करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट पता होनी चाहिए सो so, अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी टेंथ ट्वेल्थ पासपोर्ट ये है मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स इसके बाद आयल्स या फिर पी या फिर डुलिंगो या फिर टोफिल अगर आपने अभी नहीं किया है तो आप कंडीशनल एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो या फिर आप ले सकते हो एम ओ आई बेस्ड एडमिशन एम ओ आई बेस्ड एडमिशन क्या होता है कि आपने अभी आइल्स नहीं दिया है और आप देना भी नहीं चाहते हो बट आप चाहते हो कि क्योंकि आपने पढ़ाई एक इंग्लिश मीडियम स्कूल से की है और आपके सर्टेन परसेंटेज से ऊपर है तो आपको आइल्स का वेवर मिल सकता है इसके लिए हमने सेपरेट वीडियो की है जो आप हमारे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हो बट अभी के लिए ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होंगे अगर आप यूजी एप्लीकेशन कर रहे हो प्लस एस ओ पी विच इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पज एंड एल ओ आर एल ओ आर इज लेटर ऑफ रिकमेंडेशन कि आपके जो स्कूल के टीचर्स हैं वो आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि आप अपनी पढ़ाई जाके बाहर से करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिशियल होगा दैट इज एल ओ आर आपको एडमिशन अप्लाई करने के लिए एल ओ आर का सैंपल चाहिए तो वो आप हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हो सो so, हम आपकी एंड टू एंड हेल्प करेंगे नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पी जी स्टूडेंट तो पीजी स्टूडेंट्स के लिए सेम ये डॉक्यूमेंट्स प्लस आपके वर्क एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स आपका सीवी और आपका चाहिए एल ओ आर फ्राम बोथ एकेडमिक एज वेल एज प्रोफेशनल अब ये जो रिक्वायरमेंट है स्लाइटली थोड़ी थोड़ी चेंज होती है डिपेंडिंग अपॉन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी कोर्स टू कोर्स तो आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है आप हमारे साथ बात करिए देर इज अ लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन थ्रू विच यू गाइज कैन कनेक्ट विद अस एंड वी कैन हेल्प यू विद द इंटायर प्रोसेस बाय अंडरस्टैंडिंग योर प्रोफाइल अंडरस्टैंडिंग योर नीड्स और आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम आपको सोल्यूशन देंगे सुनाओ so ये हुआ आपका बेसिक क्राइटेरिया इसके साथ साथ जो आपको ध्यान रखना है वो रखना है आपके फाइनेंशियल्स क्योंकि किसी भी बाहर की कंट्री में आप पढ़ने जाओगे तो अगर आपके फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है तो आपके वीजा रिजेक्ट हो जाता है एकेडमिकली वी कैन टेक केयर ऑफ बाय सजेस्टिंग यू कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए उसकी फीस कितनी है कितनी आपकी स्कॉलरशिप मिलेगी बट द मेजर मेजर क्राइटीरिया इज योर यनेशियल विच यू हैव टू मैनेज तो फाइनेंशियल्स कैसे मैनेज होते हैं यूके में बहुत सिंपल है यूके के फाइनेंशियल्स मैनेज करना बहुत सिंपल है आपको चाहिए फंड्स फॉर योर ट्यूशन फीस प्लस योर लिविंग एक्सपेंसेस सो लेस सपोज आपकी फ़ीस है बारह लाख प्लस जो आप लंदन में पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें भी आपको बारह साढ़े बारह लाख रुपए के आसपास शो करना होता है तो आपकी जो टोटल फंड की रिक्वायरमेंट होगी वो होगी अराउंड ट्वेंटी फाइव लैक्स विच नीड्स टू बी ट्वेंटी एट डेज़ ओल्ड सो आपके जो फंडस हैं वो ट्वेंटी एट डेज ओल्ड होने चाहिए आपकी फ़ीस प्लस लिविंग एक्सपेंसेस मिलाकर जैसे ही आपके फंड्स 28 डेज़ ओल्ड हो जाएंगे आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हो मिनिमम डिपॉजिट हर यूनिवर्सिटी का वेरी करता है किसी का 2000 पाउंड से स्टार्ट होता है किसी का 3000 किसी का 4000 किसी का 5000 और कुछ कुछ यूनिवर्सिटी हैं लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ एबरडीन जो आपसे डिपॉज़िट भी नहीं मांगती हैं आप अपने सिर्फ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट उनको दिखाओ कोई डिपॉज़िट देने की जरूरत नहीं है और आपको कैश लेटर आ जाएगा नाओ वंस यू हैव गॉट दिस कैश लेटर आपका एक टी टेस्ट होगा और आपका वीज़ा फाइल हो जाएगा दिस इज़ हाउ सिंपल द प्रोसेस सो नाओ आई एम श्योर कि आप बहुत देर से वेट कर रहे होगे कि कब ये इंसान हमें वो यूनिवर्सिटीज़ बताएगा जिनमें दो से तीन दिन में ऑफर लेटर आएगा सो डोंट वरी आई एम जस्ट ड्राइंग आई एल जस्ट शेयर इट विद यू सो द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन द लिस्ट इज़ डी मॉन्ट फॉर्ट यूनिवर्सिटी सेकेंड यूनिवर्सिटी इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीन विच थर्ड इज नॉर्थ अम्ब्रिया यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रैथलाइट रॉयल हॉलीवे यूनिवर्सिटी लंडन यूनिवर्सिटी कॉलेज बर्मिंगम यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंडन मिडल सेक्स यूनिवर्सिटी एंजलिया रस्किन यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ लिंकन ये टेन यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको दो से तीन दिन में ऑफ़र लेटर देंगी अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रॉपर तरीके से रेडी हैं सो so, हम इस पूरे प्रोसेस में आपकी हेल्प करेंगे राइट फ्रॉम शॉर्ट लिस्टिंग द कोर्स शॉर्ट लिस्टिंग द यूनिवर्सिटी एज पर योर बजट एज पर योर प्रोफाइल एंड विल हेल्प यू विद द इंटायर प्रोसेस ऑफ गेटिंग यू द वीज़ा फॉर यू के टू स्टडी इन द कमिंग इंटेक्स बहुत सारे मल्टीपल इंटेक्स हैं फेबररी में है मार्च में है मे में है फिर सेप्टेम्बर मेजर इंटेक है सो so, आपको जब भी अप्लाई करना है जस्ट लेटेस्ट नो सो दैट वी कैन हेल्प यू विद द इंटायर प्रोसेस And yeah, that's all for today's video. If you have liked this video, then hit the like button, share it with your friends and family, subscribe to VAC, and we shall see you in our next video. Till then, you guys take care of yourself.